हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच क्लास सिक्स्थ है आपका, पार्ट फिफ्थ है ये। इसमें हम लोग जो है इससे पहले डिफरेंट जो है एनिमल्स, टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, जिसमें हरिबोरस, कर्निबोरस, ओमनिबोरस, और इसी में डिफरेंट एक टाइप है आपका, डिफरेंट टॉपिक, स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। एस्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स क्या है, टुडे आई डिस्कस। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। कह रहे कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो डेड एनिमल, जो एनिमल्स डेथ कर जाते हैं उसको ये खाने का काम करते हैं, ईटन करने का काम करते हैं। सच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एस्केवेंजर्स। इस तरह के बर्ड्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्केवेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैकल्स, हाइंस, उसके बाद वल्चर्स और एग्जाम्पल ऑफ एस्केवेंजर्स। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एस्केवेंजर्स हैं। तो एस्केवेंजर्स पता चला कि ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स डेथ कर जाते हैं, डेथ करने के बाद उसके फ्लैश को खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग, ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं, एस्केवेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ये है आपका, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखलाया गया है, जैकल, वल्चर, ये सभी क्या है, स्केवेंजर्स हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया। कह रहा है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस नेचर में, लाइक फॉर फंगी एंड बैक्टीरिया, फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम। कह रहा है कि वो ऐसे फीडिंग करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स डेड कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, उसको वो फीड करते हैं, वो उसको वो इटेन करते हैं। तो ऐसे सम ऑर्गेनिज्म को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, फंगी, बैक्टीरिया, दिज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है। नेक्स्ट है, स्केवेंजर्स आर एंड डिकम्पोजर्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन। कह रहा है कि स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स जो है वो हेल्प करता है अर्थ को, अर्थ के सरफेस को क्लीन करने में, अर्थ को या अर्थ के सरफेस को क्लीन करने में। डू यू अंडरस्टैंड। आपको दिखलाया गया है कि ये बैक्टीरिया का शेप है और ये आपका फंगी है, जो है फंगी इज अ टाइप ऑफ मशरूम। तो इससे पहले हम लोग मशरूम के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पे है आपका बैक्टीरिया और फंगी, ये क्या है, डिकम्पोजर्स है। और इससे पहले जैकल, वल्चर, ये सभी क्या था, स्केवेंजर्स था। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन। वी नो दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है अर्थ के ऊपर, तो वो क्या है, सन है। एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएट बाय द सन डायरेक्टली फॉर देयर एक्टिविटीज। कह रहे कि एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज एनर्जी। कह रहे कि एनिमल्स जो है हमें डायरेक्टली रूप से सन के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होता है उसको एनिमल्स डायरेक्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर सकता है अपने एक्टिविटीज के थ्रू। ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी। ओनली जो ग्रीन प्लांट्स ही है जो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में टू प्रिपेयर फूड। कह रहा है कि एक ग्रीन प्लांट्स ही है जो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है किसमें, फूड को प्रिपेयर करने में। बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्यों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसके हेल्प के थ्रू वो फूड प्रिपेयर करता है। व्हिच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। इस तरह के सोलर एनर्जी को यूज करता है। एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स। कह रहा है कि एनिमल्स फिर एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, इस ग्रीन प्लांट्स को ईटिंग करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल्स, डियर, हर्बीवोर्स ईट्स ग्रीन प्लांट्स। कह रहा है कि एग्जाम्पल्स में डियर दिखलाया गया, डियर क्या खाता है, ग्रीन प्लांट्स को। व्हिच इन टर्न इज ईटन बाय कार्निवोरस। फिर इसको डियर को कौन खाता है, कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायंस। यहाँ पे आपका ये आपका फूड चेन है। इस फूड चेन में ये दिखलाया गया कि ग्रास आपका प्रोड्यूसर है, यानी कि ग्रास किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ग्रास जो है खुद अपना फूड को प्रिपेयर करता है।
बस डियर जो है ये हर्बीवोरस है, ये डियर डिपेंड होता है ग्रास पे, ये डियर किस पे डिपेंड होता है, ग्रास पे। ये आपका हर्बीवोरस है, ये डिपेंडेंट है ग्रास पे। तो जो जिस पे डिपेंडेंट है, जैसे ये डायरेक्ट वे में क्या है कि खुद जो है इट्सेल्फ फूड का प्रिपरेशन करता है, और ये डियर इस पे डिपेंडेंट होता है। फिर इस डियर पे लायन जो है डिपेंडेंट होता है, यानी कि हर्बीवोरस प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होता है, कार्निवोरस हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट फिर जो है फूड चेन में ये दिखलाया गया कि ग्रास प्रोड्यूसर्स है, उस पर ग्रास पर हर्बीवोरस एनिमल्स है जो इस पे डिपेंडेंट है। फिर फ्रॉग ग्रासपर को इटेन करने का वर्क करता है, फिर स्नेक जो है फ्रॉग को इटेन करने का वर्क करता है, ईगल जो है स्नेक को इटेन करने का काम करता है। तो ये सभी दिया है कि जितने सारे हर्बीवोरस है वो डायरेक्ट वे में किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि ग्रास पे, ग्रीन प्लांट्स पे, ये सभी। उसके बाद कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपका था फूड चेन में हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस प्रोड्यूसर पे यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे, और यहाँ पे आपका जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो एक तरह का फूड चेन सीक्वेंस प्राप्त होता है ना, ये इसको फूड जो है इससे मिलता है, इसको फूड इससे मिलता है, स्नेक को फूड फ्रॉग से मिलता है, ईगल को फूड जो है स्नेक से मिलता है। तो ये एक चेन सीक्वेंस बनता है, ये एक सीक्वेंस बनता है। तो इसी चेन को, इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फूड चेन, एक दूसरे के थ्रू जो है फूड प्राप्त होता है। करेक्ट। दस ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। करेक्ट। कि जितने सारे एनिमल्स है, हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे फॉर फूड के लिए। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है फीडिंग करने का, इटिन करने का, ऑर्गेनिज्म के बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। दस फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टूगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन फॉर फूड। करें कि फूड चेन को हम अच्छी तरह से डिफाइंड कर सकते हैं, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, करें कि एक ऑर्गेनिज्म का ये एक सीरीज है, सीक्वेंस है, जो लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, प्रोसेस ऑफ किस पे, प्रोसेस ईटन या बींग ईटन फॉर फूड, फूड के ईटन पे जो है ये एक दूसरे के प्रोसेस के थ्रू लिंक्ड चेन के द्वारा डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ तक टुडे बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं। आपके पास होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको उस क्वेश्चंस का आंसर को राइट करेंगे। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन क्लास सिक्स के लिए, व्हाट आर ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स क्या है, व्हाट इज स्केवेंजर्स क्या है। तो आप अच्छी तरह से इसको जो है इसके आंसर्स को राइट करेंगे अपने नोटबुक में। जब भी हमारे नोट्स को या इस ऑनलाइन क्लासेस को आप देखेंगे तो उस टाइम में अपना बुक को ज़रूर ओपन रखेंगे, आपका बुक ओपन रहेगा तभी ये समझ में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड। इसको फिर से अगेन हम लोग रिवीजन करेंगे, और जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उस क्वेश्चंस को के आंसर्स को राइट करेंगे। थैंक यू।